वेलकम बैक टू माय चैनल एचटीएमएल बैंकिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में यह दिखाने वाला हूं, अगर आपको कंपनी ने यूएन नंबर नहीं दिया है या फिर दिया है तो आप उस यूएन नंबर को भूल गए हैं, दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे दो तरीके से बताने वाला हूँ कि यूएन नंबर को किस तरह से निकालना है। दोस्तों आपको मैं ऐसा पहला तरीका सिखाने वाला हूँ, अगर आपके पीएफ में मोबाइल नंबर लग रहा है तो उस मोबाइल नंबर से आपको एक कॉल करनी है, जो कि आपको ईपीएफओ का नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यह एक ऑटोमेटिक कॉल है। दोस्तों ऑटोमेटिक कॉल अपने आप कट जाने के बाद आपके एक मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा। दोस्तों वह एसएमएस आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आपको ठीक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसमें स्टार मार्क लगा रखा है, सब सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। दोस्तों इसमें आपको पूरा डिटेल्स और साथ साथ में यूएन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं दूसरा तरीका दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पे आ जाना है। दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको इंपॉर्टेंट लिंक दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट लिंक के नीचे आपको नो इज योर यूएन, ये आपको इस पर सिंपली इस पर क्लिक करना है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर आपको वही टाइप करना है जो आपको पीएफ अकाउंट में लगा हुआ है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद अब आपको सिंपली कैप्चा कोड को फिल कर देना है। जैसा आपको कैप्चा कोड दिखा रहा है, कैप्चा कोड फिल करने के बाद सिंपली रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। इतना फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चला गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको सेम टू सेम आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। दोस्तों अब आपका अगला पेज आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा, जो कि आपको पीएफ से पूरा डिटेल्स मांगा जाएगा। दोस्तों आपको पीएफ में जो नाम लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम आपको वही टाइप करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आपको वही टाइप करना है जो पीएफ अकाउंट में लगा हुआ है। सिंपली अब आपको आधार नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर आपको जो है अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे। उसका जो कैप्चा दिखा रहा है उस कैप्चा को फिल कर देना है। सिंपली आपको सो माई यूएन पे क्लिक करना है। दोस्तों इतना क्लिक करने के बाद अब आपको यूएन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि यूएन नंबर हमको किस तरह से मिल जाता है। दोस्तों अब यूएन नंबर आपको आसानी से मिल जाएगी, इस यूएन नंबर को कहीं पर नोट करके रख लेना है। दोस्तों अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अब वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह से पीएफ के रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आती रहेगी मेरे चैनल पर। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए थैंक यू।